What's up everyone, welcome to another my videos and today I come to in Uttarakhand और उत्तराखंड के इस समय की बात करूँ तो मैं सुहेलवाड़ी की तरफ जा रहा हूँ और सुहेलवाड़ी से ऊपर अगर मैं बात करूँ तो 2 किलोमीटर ऊपर आपको सुंदर सा एक वाटरफॉल देखने को मिलेगा। और बताऊँ तो वाटरफॉल काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ का, और जो भी आते हैं अल्मोड़ा साइड में तो अल्मोड़ा जाने से पहले अगर आप हल्द्वानी से आते हैं या कहूँ तो कैची धाम की तरफ से आते हैं तो ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर आपको सुंदर सा एक वाटरफॉल देखने को मिलेगा और वो वाटरफॉल दिखोनी वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। एंड ऊपर की तरफ जाना पड़ता है अल्मोड़ा रोड को छोड़ के, लगभग 2 किलोमीटर साइड में जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे सुंदर सा वाटरफॉल देखने को मिलता है। और हम अभी सुहेलवाड़ी पहुँचने वाले हैं, बिल्कुल सुहेलवाड़ी से ऊपर की तरफ एक रोड गया है जो कि सीधा वाटरफॉल की तरफ जाता है। और यहाँ से उस सुहेलवाड़ी से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो 20 किलोमीटर बाद अल्मोड़ा है और उससे पहले ये वाटरफॉल पड़ता है। और हल्द्वानी से अगर आना चाहते हैं तो हल्द्वानी से अगर मैं वाटरफॉल की डिस्टेंस की बात करूँ तो लगभग 73 किलोमीटर डिस्टेंस है हल्द्वानी से। और हल्द्वानी से भीमताल, भीमताल से कैची धाम, कैची धाम से काकरी घाट होते हुए सीधा आप अल्मोड़ा हाईवे से आपको सुहेलवाड़ी से कट जाना है ऊपर की तरफ। सिर्फ 2 किलोमीटर ऊपर ही सुंदर सा एक वाटरफॉल है और वहाँ पे आजकल क्योंकि गर्मी का सीजन है और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग इस समय आ रहे हैं इस वाटरफॉल में, और काफ़ी ऊपर से क्योंकि पानी गिरता है, क्योंकि वाटरफॉल का नज़ारा जो जलप्रपात का नज़ारा अपने आप में ही कुछ अलग होता है और काफ़ी सुंदर दृश्य है। प्रकृति दृश्य को निहारने के लिए बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। फाइनली हम बात करें तो बिल्कुल मैं सुहेलवाड़ी पहुँच चुका हूँ और ये सुहेलवाड़ी का छोटा सा एक आपको यहाँ पे मार्केट मिलेगा। और सुहेलवाड़ी के मार्केट को क्रॉस करने के बाद आपको ऊपर की तरफ एक रोड मिलेगा जो कि सीधा वाटरफॉल कोनी वाटरफॉल की तरफ गया है। और वाटरफॉल अपने आप में काफ़ी खास है और बताऊँ तो बहुत दूर दूर से टूरिस्ट भी आते हैं जो भी अल्मोड़ा के साइड में जाते हैं तो इस वाटरफॉल में ज़रूर आते हैं। और मैं अगर खास बात बताऊँ तो यहाँ का जो नज़ारा है काफ़ी खास होता है। और इस तरीके से मैं इस मार्केट को पार कर रहा हूँ, सुहेलवाड़ी का मार्केट है ये और सुहेलवाड़ी को हम पार कर चुके हैं, बस यूँ ही थोड़ा सा आगे जाके ही हमें ऊपर की तरफ जाना है। और कहूँ तो इस तरीके से देख सकते हैं मैं ये पहुँच चुका हूँ। नीचे के तरफ की बात करूँ तो नीचे के तरफ सीधा अल्मोड़ा चला जाता है और यहाँ से पिथौरागढ़ धारचूला का डिस्टेंस भी बोर्ड में लिखा हुआ है। और यहाँ से हमें क्या क्या, यहाँ से सीधा हम जाएंगे ऊपर की तरफ जो रोड गया है, सुहेलवाड़ी है जगह का नाम, जो पीछे का मार्केट में छोड़ के आया हूँ सुहेलवाड़ी का। और ये सुहेलवाड़ी से सीधा हम जाएंगे ढकोनी वाटरफॉल, ढकोनी वाटरफॉल के नाम से लिखा हुआ है और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और इसको तय करने के बाद हम सीधा पहुँच जाएंगे क्योंकि नीचे की तरफ का रोड सीधा अल्मोड़ा चला गया है, ऊपर वाले रोड में हम आ चुके हैं और इस वाटरफॉल को देखेंगे, काफ़ी शायद सुंदर होगा। और मैं इस तरीके से दिखाऊँ तो ये रोड थोड़ा सिंगल रोड है, इसको ध्यानपूर्वक चलाना है क्योंकि इस तरीके से एक इंटर कॉलेज पड़ेगा आगे जाके, उस इंटर कॉलेज तक ही अगर बाइक से भी आते हैं या बड़ी गाड़ी से भी आते हैं तो आप उस इंटर कॉलेज तक ही पहुँच सकते हैं। इंटर कॉलेज से नीचे की तरफ जाना पड़ता है और सीधा वाटरफॉल, वहाँ जाके आप वाटरफॉल का सुंदर सा दृश्य को अपने आँखों से निहार सकते हैं एंड काफ़ी अच्छा महसूस होता है आने के बाद। प्राकृतिक सौंदर्य देखते हुए हर किसी को ही अच्छा लगता है और प्रकृति का एक अलग ही, प्रकृति की जो अलग एक उनकी बताओ तो काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखता है प्रकृति का अपने आप में। और प्रकृति का वाटरफॉल है, जलप्रपात है और बहुत सुंदर है व्यू वहाँ का। और इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं का कुछ इस तरीके से है और घर भी है लोगों के बने हुए, नीचे नेशनल हाईवे है और ऊपर के स्टे एंड ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं ढकोनी वाटरफॉल की तरफ। एंड काफ़ी आगे आ गया हूँ मैं अभी, इंटर कॉलेज थोड़ा सा ही और आगे है और क्योंकि वहाँ से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था लगभग। और क्योंकि अक्सर हम कभी यहाँ से जाते थे तो सोचते थे कि कैसा वाटरफॉल होगा, कहाँ पर होगा, पर आज जाके ही देखते हैं ढकोनी वाटरफॉल है तो है कहाँ पर और कैसा है वहाँ का नज़ारा, और जाने के बाद ही पता लगेगा। और बताऊँ ना मैं मेनली यहाँ पे टूरिस्ट लोगों की जो गाड़ी होती है ना, बिल्कुल कंटिन्यू टूरिस्ट लोग आते ही रहते हैं और क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा हर कोई, क्योंकि पानी का एक अच्छा स्रोत है और ठंडा एकदम पानी एकदम,
और वहाँ पे लोग नहाते भी है, और क्योंकि कहीं कहीं वाटरफॉल का ऐसा भी जगह पे होता है कि उसके पानी को सिर्फ पीने के लिए यूज़ किया जाता है, पर किसी किसी जगह ऐसा जगह पे भी वाटरफॉल होता है जहाँ पे बिल्कुल उसके, अगर मैं बात करूँ तो उसके वहाँ पे नहाना मना होता है बिल्कुल। एंड बताओ तो बिल्कुल, हम क्योंकि ऊपर के साइड में भी चल रहे हैं, और ऊपर के साइड से अगर नीचे की बात करूँ ना तो बिल्कुल काफ़ी सुंदर दृश्य दिखता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नीचे की तरफ काफ़ी सारे टूरिस्ट लोगों के मुझे अपने उनके व्हीकल दिखे हैं, नीचे बाइक वगैरह काफ़ी सारे लगे हुए हैं। और बताऊँ तो वहाँ तक पहुँचने के लिए पहुँचने वाले हम थोड़ी देर में, काफ़ी हाइट में हूँ इस वक्त में। एंड शायद इसके बाद, इस बैंड के बाद शायद हमें यू एकदम नीचे की तरफ जाना है, शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार ये क्या। हाँ बिल्कुल, आगे की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है, और इस तरीके से जब आप आएंगे रोड में तो आगे की तरफ एक बोर्ड मिल जाएगा, बिल्कुल एकदम बोर्ड लगा हुआ है, और उसके नीचे हमें नीचे की तरफ जाना है। फाइनली बताओ तो इस तरीके से बिल्कुल एकदम, और बताओ तो वाटरफॉल के लिए यहाँ से एकदम डाउन रोड गया है बिल्कुल ये नीचे की तरफ। इस तरीके से आने के बाद इस रोड से फिर आपको नीचे की तरफ और जाना पड़ेगा, लगभग यहाँ से अगर बताओ तो 700-800 मीटर नीचे की तरफ जाना पड़ता है। और उसके बाद इस तरीके से एक बोर्ड भी लगा हुआ है, इंटर कॉलेज डिकोनी, और उसके बाद आप नीचे की तरफ जा सकते हैं। एंड यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ और इस तरीके से सीधा नीचे की तरफ से काफ़ी नीचे की तरफ जाना पड़ता है, और यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ तो इस तरीके से लोगों के गाड़ी बाइक वगैरह सारा कुछ यहीं पर है। एंड आगे की तरफ वाटरफॉल है, ऐसे थोड़ा पैरों की वजह से बिल्कुल दिख नहीं रहा है, पर इस तरीके से देख सकते हैं इधर नीचे की तरफ काफ़ी ढलान है, और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते हैं। और यहाँ से अगर दिखाऊँ तो वाटरफॉल दिख भी रहा है, लेकिन कैमरे में मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी नीचे की तरफ आना पड़ा मेरे को। यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ से दिखता है वाटरफॉल का नज़ारा, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है ये देख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए कितना ऊपर से पानी आ रहा है, लेकिन इस वाटरफॉल में नहा सकते हैं, यहाँ पे नहाने के लिए बड़े दूर दूर से आते हैं लोग। इंजॉय देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे, और काफ़ी सुंदर नज़ारा है बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लगता है और इस तरीके से है। एंड अब हम जाने की कोशिश करते हैं बिल्कुल नीचे के साइड में। थोड़ा यहाँ पे काफ़ी खतरनाक है, यहाँ पे थोड़ा सा जो रोड है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसको थोड़ा सा आराम से पास करना पड़ता है। और मेरे फोन भी हट भी जा रहे हैं यहाँ से बिल्कुल, और काफ़ी यहाँ पे दिक्कत होगा करना पड़ता है तरीके से। हम भी पहुँच चुके हैं एकदम नीचे तक जाने के लिए, वैसे तो सही है। और इस तरीके से देखिए कितना समय है यहाँ पे, थोड़ा सा क्योंकि यही समय होता है, हमें बारिश बारिश इस टाइम होता नहीं है, और काफी zigzag band भी है। सिंगल रोड है बिल्कुल एकदम सिंगल। ये मेरे सामने एक स्कॉर्पियो, मेरे को ये स्कॉर्पियो देख के एक ट्रेवल ब्लॉग बनाते उनका याद आ रहा था, और सच में याद आ रहा है उसी का, ये इस टाइप के स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो तो स्कॉर्पियो होता है अपने आप में, तो काफी सुंदर लग रहा है एकदम नई गाड़ी, अब बिल्कुल चमचमाती है, इसमें नंबर तक नहीं लेता है। और यहाँ पे शायद आए होंगे वाटरफॉल को देख रहे, मैंने पूछा कहाँ जाना है, ढूंढ रहे थे रोड, मैंने फिर कहा कि वाटरफॉल जाना है। थोड़ा सा गलत चला रहे हैं क्योंकि एक बैंड होता है ना, तो ये गलत साइड से गाड़ी को काट रहे हैं, उससे दिक्कत होता है बहुत ज़्यादा। गाड़ी इतनी बड़ी वाली है, और शायद वो पैसेंजर को ले जाने के लिए रुका हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था। और क्योंकि ऊपर से अगर बात करूँ तो ऊपर से 1 किलोमीटर तो है ही कम से कम रोड, क्योंकि दूर से लगता है कि यू ही है वाटरफॉल, पर zigzag रोड है तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय ही करना पता है लगता है। और रोड देख सकते हो कैसा रोड है, आप देख पा रहे हो कि शायद रोड इस टाइप से रोड है आगे, और बिल्कुल ऐसे ही घूमते 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 नीचे तक जा पाएंगे शायद। हाँ के लिए ना बिल्कुल एकदम नीचे के साइड से ऊपर की तरफ से भी गाड़ियाँ चलता है, यहाँ की जो प्राइवेट गाड़ियाँ होती है वो सिर्फ यहाँ के पैसेंजर को यहाँ से ऊपर ले जाना और ऊपर से नीचे की तरफ लेके आना। यहाँ पे अगर आप कभी आते हैं तो बारिश के समय ना आइएगा, जब बारिश ना हो तो उसी समय आते हैं,
इस वाटरफॉल में पानी से लुत्फ उठाने नहाने एंड उसके समय आएंगे तो काफ़ी दिक्कत होता है, काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, और क्योंकि अभी हमें नहाना भी है जाके, बिल्कुल मैं तो नहा गया हूँ इस तरीके से, यहाँ पे दिक्कत तो है। अब चले तो आए हैं हम एंड बताओ तो फाइनली मैं इस वाटरफॉल में पहुंच चुका हूँ, डिकोली वाटरफॉल में। एंड इस तरीके से देखिए, नीचे की तरफ की बात करूँ या इस साइड में बात करूँ, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट सा भी बना हुआ है नीचे के साइड में, एंड होम स्टे के लिए भी है यहाँ पे बना हुआ। और इस तरीके से तिब्बतियन काफ़ी सारे फ्लैग्स भी लगे पड़े हैं, और इस तरीके से यहाँ पे वाओ, यहाँ का जो नज़ारा है ना, और इस वाटरफॉल में अगर मैं वाटर लेवल की बात करूँ तो बहुत कम है, इसीलिए यहाँ पे जो भी आते हैं तो इस वाटरफॉल में नहाते भी है। देखिए किस तरीके से पूरा एकदम यहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम नॉइस, एकदम शोर शराबा, चिल एंड मस्ती बिल्कुल ठंडे पानी में। और इस तरीके से बता दो, यहाँ पे लाइफ जैकेट की ज़रूरत नहीं है इस वक्त क्योंकि वाटर लेवल बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि बारिश अभी पहाड़ों में हुआ नहीं है, हल्के हल्के बारिश हुए हैं तो पानी का स्तर उतना ज़्यादा हुआ भी नहीं है, तो इसीलिए इस तरीके से जो भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, गर्मी भी बहुत है और मौसम इस तरीके से कुछ ऊपर की तरफ बादल वगैरह है एंड नीचे की तरफ इस तरीके से पानी का लेवल बहुत कम है, तो इसीलिए जो भी आ रहे हैं सीधा वाटरफॉल के नीचे एकदम सीधा झरने से ऊपर की तरफ से जो पानी गिर रहा है बिल्कुल उसके नीचे जाके नहा रहे हैं इस तरीके से, देख सकते हैं इस तरीके से। और ये भैया दिल्ली से आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, और काफ़ी सुंदर है एंड इस तरीके से देख सकते हैं। अब काफ़ी नीचे की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ढलान है, ऐसे करके जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके, और ऊपर की तरफ इस तरीके से हाइट है तो इस तरीके से वहाँ से ट्रैकिंग वाला रूट है वहाँ तक ही, ऊपर तक ही गाड़ी आता है, उसके बाद लगभग वहाँ से भी लगभग 400 से 500 मीटर का पैदल आना पड़ता है। और इस तरीके से फाइनली मैं बिल्कुल वाटरफॉल के एकदम पास में आ चुका हूँ, इस तरीके से देख सकते हैं बिल्कुल वहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम, क्योंकि बहुत लोग हैं ना भी रहे हैं, क्योंकि कौन ही वाटरफॉल का नज़ारा देख सकते हैं। पर इस वाटरफॉल की जो वाटर ऊपर से गिरता है वो ज़्यादा इसकी हाइट नहीं है, लेकिन यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है, काफ़ी सुंदर है यहाँ का व्यू और देखने लायक है बिल्कुल। और मैं बताऊँ तो काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे पत्थर हैं, इनको पार करते हुए इस तरीके से आगे आना पड़ता है एंड यू वाटरफॉल है मेरे बिल्कुल एकदम करीब आ चुका वाटरफॉल की। अगर मैं बात करूँ तो जय बाबा भूतिया मसान जी की यहाँ पे एरियाज, वहाँ पे भूतिया मसान जी का है, जय बाबा, जय हो बाबा भूतिया मसान जी ऊपर की तरफ बना रखा है एंड इस तरीके से ऊपर की तरफ से ये पानी आ रहा है। और ये जो पाइपलाइन है ना, पाइपलाइन से पीने का पानी जाता है ऊपर के साइड से, वहाँ पे भी इस तरीके का लेक सा छोटा सा बना हुआ होगा और वहाँ पे पानी स्टॉक रहता है, फिर वो पानी फिर पाइपलाइन द्वारा पीने के लिए जाता है एंड इस तरीके से वाटरफॉल में। इससे पहले थोड़ी देर पहले की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा, दोपहर के समय की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, क्योंकि इस वाटरफॉल में पानी की जो वाटर लेवल की बात करूँ तो काफ़ी कम है, तो इसीलिए बिना लाइफ जैकेट के बगैर ही उतर जाते हैं इस वाटरफॉल में। इस तरीके से पत्थरों को भी लगा के रखा है ताकि इसमें थोड़ा सा पानी स्टॉक रहे, और इस तरीके से दिखता है और काफ़ी सुंदर है यहाँ का नज़ारा। और दिकोनिया में कोई भी आते हैं अगर अल्मोड़ा साइड में, तो अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर पहले इस तरीके का नज़ारा, इस तरीके का एक वाटरफॉल देखने को मिलता है, दिकोनिया वाटरफॉल, जो अपने आप में काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पर बताऊँ तो इस तरीके से आगे की तरफ तिब्बतियन फ्लैग बहुत सारे लगे हैं, इस तरीके से होम स्टे के लिए यहाँ पे ऊपर की तरफ रूम भी बना हुआ है, देखिए नज़ारा एकदम बिल्कुल इस तरीके से एकदम मेरे को, और पूरा चारों तरफ इस तरीके से रहते हैं यहाँ पे भी एकदम नॉइज़ वगैरह, और इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे नहाते हैं एंड यहाँ पे कसम से यहाँ पे बताओ तो पानी इसका बहुत चिल्ड है, और इस तरीके से एकदम वाटरफॉल के आप नीचे जाके भी नहा सकते हैं। यहाँ का जो व्यू है इस वाटरफॉल के बारे में बताऊँ तो गर्मी के समय एकदम सूटेबल जगह है बिल्कुल यहाँ पे आने के लिए एंड यहाँ पे अगर आप वाटरफॉल में गिरते हुए पानी झरने से आप नहाना चाहते हो तो इससे बेस्ट, दिकोनिया से बेस्ट वाटरफॉल आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके गहराई बहुत ना के बराबर है, गहराई बहुत ही कम है एंड काफ़ी अच्छा लगा मेरे को आ जाके यहाँ पे और इस तरीके से एकदम, क्योंकि अधिकतर आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो वाटरफॉल होती है उनकी जो गहराई होती है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस वाटरफॉल की गहराई के बारे में बोलूँ तो ज़्यादा गहराई नहीं है, क्योंकि बारिश अभी हुआ नहीं है, पानी का स्तर बहुत कम है एंड इस तरीके से एकदम काफ़ी सुंदर है एंड जय हो बाबा भूतिया मसान जी का ऊपर की तरफ से एक मंदिर सब बना हुआ है एंड ऊपर की तरफ इस तरीके से वाटरफॉल के एकदम नीचे जाके नहा सकते हैं, और एकदम बेस्ट एकदम बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पे आके बताऊँ तो, यहाँ पे नहाने के लिए अगर आप नहाना चाहते हैं कि इस तरीके के लोकेशन में आएंगे और हम वाटरफॉल में नहाएंगे तो इससे बढ़िया बेस्ट एकदम कहीं नहीं है। और हल्द्वानी से डिस्टेंस की बात करूँ तो 73 किलोमीटर डिस्टेंस है, और अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो आप अगर यहाँ से जाना चाहते हैं अल्मोड़ा तो अल्मोड़ा लगभग 20 किलोमीटर है
और अल्मोड़ा रोड में ही पड़ता है, वहाँ से आपको यहाँ तक आने के लिए 2 से 3 किलोमीटर अल्मोड़ा नेशनल हाईवे से अंदर की तरफ आना पड़ता है, दिकुनिया वाटरफॉल। और इस तरीके का भव्य नज़ारा, सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है और काफ़ी अच्छा लगता है अपने आप में। एंड बताओ तो इस तरीके से एक ब्रिज भी बना हुआ है बिल्कुल मेरे बैक साइड में, एकदम वहाँ से इस इधर के साइड से उधर के साइड में जाने के लिए एक ब्रिज भी बना हुआ है और काफ़ी सुंदर यहाँ का नज़ारा है। एंड काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद और काफ़ी सुंदर है, बहुत ही सुंदर, जितना भी बताओ उतना कम है इसका। एंड दिखाओ तो इस तरीके से, एंड ऊपर के साइड की इधर की बात करूँ तो इस तरीके से आप देख सकते हो ऊपर की तरफ से इस तरीके से उस साइड से आना पड़ता है। एंड ये है नज़ारा। फाइनली मैंने वाटरफॉल में नहा भी लिया, बिल्कुल मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।